नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत बड़ोदे और जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 नंबर का GS GK आता है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा बजट रहता है वो मध्य प्रदेश का रहता है और उसी के दृष्टिकोण से हमने जो सबसे पहला GS में से जो सबसे पहला चैप्टर उठाया है उसका नाम है मध्य प्रदेश। चीज़ें समझ में आ रही है और इसके अंतर्गत ही हम मध्य प्रदेश से संबंधित दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। प्रथम लेक्चर में हमने क्या देखा था दोस्त, हमने देखा था कि भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के पश्चात, तो 15 अगस्त 1947 से 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी वह हमने चर्चा की। हमने उसमें पढ़ा था कि मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी नहीं था, पार्ट सी तक के था। क्षेत्र कितने थे तो 4। जैसे हमने देखा जो पार्ट ए है इसमें क्या रखा था, हमने सीपी एंड बरार रखा था, है ना। पार्ट बी में क्या रखा था, मध्य क्षेत्र रखा था या मध्य भारत रखा था। पार्ट सी में क्या रखा था, तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर विंध्य प्रदेश रखा था और किसको रखा था, भोपाल को। भोपाल क्या थी, एक स्वतंत्र रियासत थी। मैंने सभी के आपको CM भी बताए थे, ठीक है। चले इसके पश्चात वही लेक्चर में मैंने फिर इसके पश्चात आपको क्या पढ़ाया, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है दोस्त, देशांतरी विस्तार क्या होता है पढ़ा, उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है, इतनी सब चीजें पढ़ी है अपन ने। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब देखो मैंने चर्चा की थी कब की, 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर को क्या हुआ भाई, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और मैंने उस समय का मध्य प्रदेश बताया था आपको जिस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, देखो जो संसद होती है, संसद के पास क्या होती है, कुछ शक्तियां होती है, Article 2, Article 3 और Article 4 में। Article 2 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति होगी कि क्या करेगी संसद, संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है या सीमा को घटाया बढ़ा सकती है, समझ में आया है, या फिर किसी अन्य क्षेत्र का अर्जन भारत के अंतर्गत कर सकती है। जैसे हमने सिक्किम को लिया था कब, 1975 में हमने राज्य बनाया, नहीं हमने इसके पश्चात गोवा को, गोवा नहीं आपका दमन एवं दीव को लिया, बिल्कुल गोवा को भी लिया था हमने, ठीक है। इसके पश्चात आपने देखा कि हमने पांडिचेरी को लिया था 1954 में, ठीक है। तो ये सब के तहत Article 2 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है और ये शक्ति किसके पास है, तो आप बताओगे संसद के पास है और यही शक्ति का उपयोग Article 2 और Article 3 में संसद करती है। तो Article 2 के तहत क्या होता है कि भारत के अंदर वे राज्य जिनकी सीमा को बढ़ाना या घटाना या नए राज्य की स्थापना करना है, ये Article 3 के तहत कौन करेगी, संसद, और ये करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है, तो Article 2। तो Article 3 का प्रयोग किया संसद ने और मध्य प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया था जिसका नाम क्या था, छत्तीसगढ़। चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और उस समय मध्य प्रदेश जो है ये कुछ पार्ट में डिवाइड था, अब पार्ट को क्या करना, अलग करना है, मध्य प्रदेश का गठन करना है, सीधी सी बात है, इसमें संविधान संशोधन होगा। अपन ने पढ़ा था ना कौन सा संविधान संशोधन, तो 7वां संविधान संशोधन के तहत हमने मध्य प्रदेश का गठन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ये देखा हमने कि 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे। टोटल भारत में कितने राज्य थे दोस्त, 14 राज्य थे, पढ़ा था अपन ने, चीजें समझ में आ रही है। कौन सा संविधान संशोधन क्यों हुआ था भाई, 7वां संविधान संशोधन। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया था, मैंने श्री रामवल्लभ पोट्टुलो के बारे में बताया था आप लोगों को कि उन्होंने 58 दिन तक क्या किया था भाई, 58 दिन तक अनशन किया था। अनशन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका कहना क्या था कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन हो, कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। और उनकी जब मृत्यु हो गई तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन में थे और उनके द्वारा बहुत विरोध किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो होना नहीं चाहिए, अगर भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे तो भाई भारत में तो बहुत सारी भाषाई वाले क्षेत्र है, हर एक जगह में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ऐसे तो भारत में बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। लेकिन उस समय विरोध बहुत भीषण हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि चलो भाई सबसे पहले हम क्या करते, एक समिति की स्थापना करते। किसकी स्थापना,
समिति की स्थापना करते और समिति का नाम रखा था दोस्त क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है दोस्त, ये कितने सदस्य था, तो तीन सदस्य था। तीन सदस्य कौन कौन थे, पहले व्यक्ति का नाम था क्या भाई, फजल अली था या नहीं, कल पढ़ा था बनने। दूसरे व्यक्ति का नाम है के एम पणिक्कर। और तीसरे व्यक्ति का नाम है हृदयनाथ कुंजरू। भाई कुंजरू बोल रहा हूं, कुंजरू नहीं है ना, कुंजरू अलग है, क्या नाम है इनका, कुंजरू। तो तीन सदस्यीय आयोग था। और दोस्त समझना कि जो फजल अली थे ये कौन थे, यह इस समिति के अध्यक्ष थे। तो कई बार फजल अली समिति से क्वेश्चन आ जाता है कि फजल अली समिति किससे संबंधित है, तो आप बताओगे राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। अब इन्होंने क्या कहा कर, अच्छा अब देखो समिति बनाई गई, भाई समिति बनाई गई तो कभी ना कभी तो बनाई गई होगी। 1973 में, कब, 1953 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसी को फजल अली समिति भी कह सकते हो। उसका कारण क्या है, क्योंकि अध्यक्ष कौन है भाई, फजल अली है। कब बनी थी, 1953 में। अब इन्होंने तीन साल तक इसके बारे में सोचा, सोच विचार किया, पूरे आंकड़े इकट्ठे किए और उन्होंने बोला कि ठीक है भाषाई आधार पर राज्य का गठन कर दो। और इन्होंने भाई बहुत सारा लेखा जोखा हो गए नहीं, तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी, क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करी। रिपोर्ट प्रस्तुत कब कर दी, 1956 में। रिपोर्ट प्रस्तुत कब करी भाई, 1956 में। उन्होंने बोला ठीक है भारत में कुछ राज्यों का गठन कर देना चाहिए। और इस रिपोर्ट के पश्चात कब, 1 नवंबर 1956 को, अच्छा मध्य प्रदेश का गठन हो गया। मध्य प्रदेश का क्या हो गया, गठन, समझ में आया। मध्य प्रदेश के साथ और भी राज्यों का गठन होता है, जैसे केरल का भी कब होता है भाई, 1 नवंबर 1956। सीधा क्वेश्चन है, 1956 के समय भारत में कितने राज्य थे, आप बताओगे 14 राज्य थे। चीजें समझ में आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बता दो, अच्छा मध्य प्रदेश नहीं, भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। और अगर मैं पूछ लूं कि भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है, आप बताओगे कौन सा है भाई, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है भैया, आंध्र प्रदेश। चीजें समझ में आ रही है, कब बना था, 1953 में बना था। चीजें समझ में आ रही है, 2 अक्टूबर 1953। चीजें समझ में आ गई इतनी चीज, तो ये चीजें तो मैंने आपको कल भी बताया था। अब इसके पश्चात देखो बात करते हैं 1 नवंबर 1956 के पश्चात की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। क्या इतनी चीजें समझ में आई, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, इसके अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्यीय समिति थी, इसके सदस्य कौन कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, चीजें समझ में आ रही है। अब देखो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा ये चीज जो मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तो मैंने कल भी बताया था, लेकिन कल आपको ये बोला था, कल सिर्फ इतना बताया था कि कौन कौन से जिले बने, चीजें समझ में आ रही है। आज मैं ये भी बता दूंगा आपको कि वो जिले कौन कब कब बने हैं, और मतलब उसकी डेट क्या है। कल मैंने सिर्फ सन बताए थे, और वह जिले किससे टूट कर बने, चीजें समझ में आ रही है। कल सिर्फ मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया था कि आपको थोड़ी सी समझ बढ़ सके। चीजें समझ में आ रही है, देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया है दोस्त, ये 1 नवंबर 2000 के पश्चात का डायग्राम है। यहाँ पर अगर मैं कुछ क्षेत्र और इंक्लूड कर दूं ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर 1956 की जब बात करता हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ भी जो है ये मध्य प्रदेश में इंक्लूड होगा। क्या चीज़ समझ में आ रही है। अब चलो आगे पढ़ते हैं, 1 नवंबर 1956 को किसका गठन होगा, मध्य प्रदेश का। कौन सा संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, भाई ये तो क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको, आंसर बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में कि किस संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। चीजें समझ में आ रही है, आप बताओगे। अब आगे समझो, 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, जिलों की संख्या, जिलों की संख्या,
ये तो मैंने कल भी बताया था भाई, कितने जिले थे तो आप बताओगे 43 जिले थे। कितने जिले? 43 जिले। लेकिन समय बढ़ता गया और यहाँ पर बहुत सारे जिलों की धीरे धीरे मांग बढ़ेगी। जैसे राज्यों की मांग बढ़ी, जिलों की मांग बढ़ेगी या नहीं? तो बिल्कुल बढ़ेगी। और बाद में क्या हुआ कि और भी जिले बने। तो कल मैंने आपको बताया था, समझो यहाँ पर। अब बात करते अपन कब, 1972 की। 1972 में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि दो जिलों का निर्माण हुआ। प्रथम जिला था आपका भोपाल था या नहीं, और जो दूसरा जिला था दोस्त, इसका नाम है राजनंदगांव। राजनंदगांव, चीजें समझ में आ रही? अच्छा, राजनंदगांव वर्तमान में कहां पर है? तो आप बताओगे सीजी में है, मतलब छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। और भोपाल, भोपाल ये किससे टूटकर बना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो ये सीहोर से टूटकर बना था। देखो क्वेश्चन क्या है समझना, भोपाल जिले की स्थापना से पहले वह किसकी तहसील हुआ करती थी? आप बताओगे सीहोर की तहसील थी भाई। किसकी तहसील थी? सीहोर की। अब मुझे एक बात बताओ कि भोपाल पहले किसकी तहसील थी? सीहोर की। अब यहां से, अच्छा कई बार यहां से घुमाने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भोपाल सुगर मिल कहां है? फट से दिमाग चलेगा, भोपाल सुगर मिल, इतना सड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया, भोपाल में है। और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा गलत। भोपाल सुगर मिल भैया सीहोर में है। कहां पर है? सीहोर में। क्योंकि भोपाल जब सीहोर में था तब भोपाल सुगर मिल की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जब भोपाल की स्थापना 1972 में हुई तब भोपाल सुगर मिल कहां रह गई? सीहोर में, और भोपाल अलग हो गया। तो भोपाल सुगर मिल कहां होंगी भाई? सीहोर में होगी। चीजें समझ में आ रही है? तो 1972 में बताओ कितने जिले बने? दो जिले बने। पहला कौन सा? भोपाल। दूसरा कौन सा? राजनंदगांव। राजनंदगांव किधर है भाई? राजनंदगांव है कहां? छत्तीसगढ़ में। क्या चीजें समझ में आई आपको? चले दूसरी चीज समझो कि एक और कौन सा जिला बना? भोपाल। भोपाल किसकी तहसील हुआ करती थी? सीहोर की। भोपाल सुगर मिल कहां है? भोपाल में। बिल्कुल नहीं, कहां पर है भाई? सीहोर में है। क्या इतने क्वेश्चन आपको समझ में आए? आगे पढ़े। अब समझो 1972 की बात है, दो जिले को निर्माण कर दिया हमने, पहले कितने जिले थे? 43 जिले थे। अब कितने बने? दो। तो 1972 में कितने जिले हुए भाई? 45 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 45। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई? ठीक, मिटा दूं इसको मैं। चलो अच्छा, जितना भी मैं बता रहा हूं भाई पूरा का पूरा कॉपी में उतारते चलना, तब जाके चीजें समझ में आएगी। और वैसे अगर आपने मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन भी लिया ना, तो आप वैसी चीजें सब आपको वैसे याद हो जाएंगी, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? वैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज बार बार रिपीट कर ही देता हूँ, तो ध्यान से सुना करो, आपको ऐसी चीजें याद हो जाएंगी, आपको अपने तरफ से ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है। चीज समझ रहे हो? अब देखो, अब बात कर रहा हूं मैं कब की? 1983 भाई। इसकी चर्चा भी मैं कर चुका था कल। समझो बीपी दवे समिति का गठन हुआ। और बीपी दवे समिति का गठन कब हुआ? 1983 में। किससे संबंधित थी? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में जिलों की स्थापना से संबंधित थी। समझो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे 1998 में। इसकी अनुशंसा पर 10 जिलों का निर्माण हुआ। कितने जिलों का निर्माण हुआ भाई? 10 जिलों का निर्माण हुआ। चीजें समझ में आ रही है? कितने जिले? 10। इन 10 जिलों में से मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। इतनी चीज लिखो जल्दी से, कितने जिले हैं भाई? 4।
इतना समझ में आया? चलो अच्छा एक काम करो, मैं ऊपर वाली चीजें मिटा देता हूँ। ये अब समझो। अच्छा इसकी डेट याद रखना, डेट याद रखना 25 मई 1998। कब है भाई? 25 मई 1998। कई बार डेट भी आ जाती है एसआई के एग्जामों में, डेट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 25 मई 1998 को क्या हुआ? बीपी दवे समिति की अनुशंसा पर 10 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से आज 4 जिले किसमें हैं? मध्य प्रदेश में हैं। अब समझो, अच्छा डेट क्या होगी 25 मई, 4 जिले कौन कौन से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। यहां पर है बड़वानी। क्या है भाई? बड़वानी, ठीक। यहां पर है डिंडोरी। चीजें समझ में आई? यहां पर है कटनी, ठीक है। और यहां पर है श्योपुर। पहले चारों जिलों के नाम याद करो, कौन कौन से भाई? सबसे पहले बड़वानी है, फिर क्या है कटनी है, फिर क्या है डिंडोरी है, और फिर क्या है श्योपुर है। फिर क्या है भाई? श्योपुर। चार जिले समझ में आए? चार जिले जो बीपी दवे समिति की अनुशंसा पर 10 जिलों का निर्माण किया गया, उसमें से 4 जिले कहां पर है? मध्य प्रदेश में। 4 जिले कौन कौन से हो गए मेरे साथ बोलो? बड़वानी, डिंडोरी, कटनी और श्योपुर। क्या इतनी चीज याद हो गई? अब दूसरी चीज समझो, मैं क्या बता रहा हूं कि किससे टूटकर बने। इसी के साइड में यहां पर है खरगोन। खरगोन से टूटकर क्या बना? बड़वानी। ये चीज समझ में आई? यहां पर है, अच्छा ये साइड में ही है लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा कई बार दूर भी बना दे रहा हूं। यहां पर है भाई, इसका नाम है मंडला। मंडला, मंडला से टूटकर क्या बनता है? डिंडोरी। चीज समझ रहा हूं। इसके नीचे यहां पर होता है जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर से क्या बनता है? कटनी। यहां पर साइड में होता है मुरैना। अच्छा आप बोलोगे मुरैना यहां नहीं, मुरैना तो यहां है। तो भाई मैं समझाने के लिए यहां बना रहा हूं। चीजें समझ में आ रही? जब मैं एग्जैक्ट में बनाऊंगा पूरे जिले की, जब मैं बात करूंगा तो आपको एक एक जगह बता दूंगा, अभी सिर्फ समझने के लिए समझो, ठीक है। तो मुरैना से क्या बन रहा है? श्योपुर। पहले तो ये याद रखो कि कौन कौन से जिले थे। यहां पर आएगा बड़वानी, ठीक है। यहां पर आएगा डिंडोरी, फिर क्या आएगा कटनी, फिर क्या आएगा श्योपुर। किस किस से टूटकर बने? तो आप बताओगे बड़वानी जो है ये खरगोन से टूटकर बना है, डिंडोरी जो है ये मंडला से टूटकर बना है, कटनी जो है ये जबलपुर से टूटकर बना है, और श्योपुर जो है ये मुरैना से टूट के बना है। अब देखो बारीकी से कितना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि जो चारों जिले है ये 25 मई 1998 को बनते हैं। कब भाई? 25 मई 1998 को बनते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखो आप और उतार लो पूरा का पूरा, मैप में उतारना भाई, मैप बनाओ और ऐसे उतारोगे आप लोग, ठीक है। हो गया, आगे बात करें अपन। चलो ऊपर जगह है, मैं अब यही बात करता हूं, है ना। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं समय बता रहा हूं 10 जून 1998। भाई यहां तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि सन तो एक ही है। यहां पर भी मैंने 1998 की बात की थी, यहां पर भी 1998 की बात की थी। तो मैंने आपको ये चार जिले अलग इसलिए बताए क्योंकि इनकी डेट क्या होती है? 25 मई। चीजें समझ में आ रही भाई आपको? अरे समझ रहे हो कि नहीं? अब बात कर रहा हूं 10 जून 1998, यहां पर एक समिति का और गठन हुआ था, पिछले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी, सिंह देव समिति। अरे भाई गठन हुआ था कि नहीं? और इस समिति ने की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में
6 जिलों का गठन हुआ था। कितने जिलों का? 6 जिलों का गठन हुआ था। समझ में आ रहा है? अब समझो ये 6 जिलों में से 3 जिले एमपी में है। कितने जिले भाई? 3 जिले एमपी में है, बाकी 3 जिले कहाँ चले जाएंगे? छत्तीसगढ़ में। तो जो एमपी में उसकी अपन चर्चा करेंगे ना, चीज समझ रहे हो कि नहीं? अब ये 3 जिले कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर ले, ठीक है? पहले कौन को, अच्छा इनकी डेट याद रखो, अब मैं जो बना रहा हूं 10 जून 1998, इस चीज को मिटा दे रहा हूं भाई मैं, समझो। देखो ब्लैक पेन से क्या बना है, जो वर्तमान में जिले, ठीक है, और ब्लू पेन से क्या बना है, जो जिससे टूटकर बना है, ठीक है, ये एरो समझ पा रहे हो ना आप? ठीक, तो सबसे पहले मैं ब्लैक पेन का यूज करूंगा। यहां पर स्थित है उमरिया, डेट याद रखना, इसकी डेट क्या होगी? 10 जून होगी। डेट क्या होगी भाई? 10 जून होगी, उस चीज को याद रखो। उमरिया याद रखो भाई, उमरिया 10 जून को बना था, 10 जून 1998। किस समिति के अनुशंसा पर? सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर। समझ में आ रहा है? किस समिति के अनुशंसा पर बना था भाई? सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर। याद हो गई आप लोगों को? आगे बताए, यहां पर देखो, यहां पर एक जिला है हरदा, क्या होगा? हरदा, हरदा, ठीक है, हरदा। यहां पर एक जिला और बना रहा हूं, इसका नाम होगा नीमच, नीमच, ठीक है, नीमच भाई, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीमच। मध्य प्रदेश में कभी क्वेश्चन आ गया कि जो 1857 की क्रांति है मध्य प्रदेश में, सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो बताओगे नीमच से। कहाँ से शुरू हुई भाई? नीमच से। किस डेट को हुई थी? तो अब बताओगे 3 जून 1857 को। कब भाई? 3 जून 1857 को हुई थी, ठीक है, वो मैं इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप क्या 3 जिले को याद रख पा रहे हो? सबसे पहला कौन सा भाई? उमरिया। फिर कौन सा भाई? हरदा। अच्छा फिर कौन सा? नीमच, ठीक है। डेट क्या होगी? 10 जून। अब मैं चर्चा करूंगा कि भैया किससे टूट के बने, ठीक है। तो यहां पर होता भाई शहडोल, शहडोल, ठीक है, शहडोल से याद रखना। अमलाई पेपर मिल कहाँ है? शहडोल में है। अमलाई पेपर मिल कहाँ है? शहडोल। तो शहडोल से टूटकर बनेगा उमरिया। शहडोल से टूटकर क्या बन रहा भाई? उमरिया। हरदा जो है वो टूटकर बनता है होशंगा, होशंगाबाद। क्वेश्चन आ गया भाई होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी? होशंग शाह ने की थी। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? धार में है, ठीक है, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। होशंगाबाद से टूटकर क्या बना भाई? हरदा। और जे इधर होता है मंदसौर, मंदसौर से टूटकर बनेगा नीमच। क्या बनेगा भाई? नीमच। समझ में आया क्या आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो 1998 में 10 जिले 6 जिले, 10 और 6 बराबर से 16 जिलों का निर्माण हुआ था। सन क्या होगा? सन दोनों का 1998, लेकिन डेट अलग होगी। जब मैं स्टार्टिंग के 10 जिले की बात करता हूं तो उसमें आंसर क्या आएगा आपका? 25 मई, 25 मई। और जो 6 जिले की बात करता हूं ये कब आ जाएगा? 10 जून। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? इतनी चीज समझे कि नहीं भैया? अब समझो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पास 43 जिले थे। कितने? 43 जिले थे। फिर 1972 में 2 जिले बनाए अपन ने, भोपाल और राजनांदगांव, 43 और 2 45। फिर 1998 में हमने पहले 10 बनाए और फिर 6 बनाए, टोटल कितने हो गए? 16, 45 और 16 61। तो 1998 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हो चुके थे आप बताओगे? 61। कितने जिले भैया? 61 हो गए थे। क्या इतनी चीज आपको याद है? आगे पढ़े। अच्छा एक मिनट और रुक जाओ, मैं यहां पर भोपाल भी बना ही दूं क्या? क्योंकि जो भोपाल है, भोपाल,
कब बना था? 1972 में। और भैया जे किससे टूटकर बना, तो आप बताओगे ये टूटकर बना था किससे? सीहोर से। सीहोर, सीहोर से क्या बन गया? भोपाल। ठीक, समझ में आ रहा है? डेट क्या होगी? 25 मई। यहां पर डेट क्या होगी? 25 मई। 25 मई यहां क्या होगा? 10 जून। यहां पर 10 जून, ठीक है। यहां पर क्या होगा? 25 मई। समझ लो, चले आगे बढ़े। इसकी डेट क्या होंगी भाई? 10 जून। चलो अब यहां पर फिर से क्या होगा? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ये सब मिटा दूं क्या भैया? मैं लिख तो लिया हूंगा आपने, चलो तो मैं ये सब मिटा देता हूं। आगे समझो भाई। अब हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000 की। 1 नवंबर 2000 को फिर से क्या हुआ? मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ दोस्त। और मध्य प्रदेश का विभाजन होने के पश्चात कुछ क्षेत्र अलग हो गया, और जो क्षेत्र अलग हुआ उसका नाम हमने दे दिया छत्तीसगढ़। हमने नहीं दिया, सरकार ने दिया। क्या नाम दिया? छत्तीसगढ़। ठीक, अब छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र अलग हो रहा है, इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है तो अपने साथ कुछ जिले, कुछ संभाग लेकर जाएगा। अभी मैं संभाग की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी किसकी बात चर्चा कर रहा हूं? जिले की। तो कुछ जिले लेकर आएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं भाई? 1998 में 61 जिले 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश एमपी का पुनर्गठन, पुनर्गठन, पुनर्गठन होने पर क्या हुआ? छत्तीसगढ़ की स्थापना, सीजी की स्थापना। स्थापना मतलब मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी क्या बनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब चूंकि मैंने बताया था, देखो एक राज्य को तोड़कर क्या हो रहा है? दूसरे राज्य की स्थापना की जा रही है। कौन करेगा? शक्ति किसके पास? संसद के पास है भाई। संविधान संशोधन होगा कि नहीं? तो यहां पर संविधान संशोधन हुआ। 84वां संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और छत्तीसगढ़ की स्थापना कर दी गई। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? आ गई? आगे पढ़े। अब आगे समझना, आगे मैं क्या बता रहा हूं। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, भाई कुछ जिले लेकर जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। 1998 में कितने जिले अपने पास? 61। भैया ये 16 जिले लेकर चला गया। 16 जिले किसको लेकर चला गया? छत्तीसगढ़। तो हम क्या करेंगे? 61 माइनस 60, देखो बस संख्या पलट दी और उतने जिले लेकर चला गया। अब 2000 में मध्य प्रदेश के पास वापस से 45 जिले बचे। 45 जिले बचे किसके पास? मध्य प्रदेश के पास। कितने जिले लेकर गया? 16 जिले लेकर गया। समझ में आई क्या इतनी चीज? समझ में आ गया है? आगे पढ़े अपन। ठीक, तो 1 नवंबर 2000 के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे भाई? 45 जिले बचे। अब वापस से मैं क्या बता रहा हूं समझो। समय है 2003। 2003 एक समिति जिसका नाम सिंहदेव समिति रखा। क्या ये सिंहदेव समिति फिर पहले आई थी कभी? बिल्कुल आई थी। कब? 10 जून 1998 को। इसके अनुशंसा पर हमने 6 जिले बनाए थे भाई, अभी तो बनाए है ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो सिंहदेव समिति ने अनुशंसा की कि भाई और राज्य और जिले का गठन करते अपन, क्योंकि सीधे घर पे बैठ के क्या करेंगे? कुछ नहीं काम है तो क्या करें, जिले की स्थापना कर देते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई 3 जिले बना दे। कितने जिले बना देते अपन? 3 जिले बना देते हैं। समझ में आ रहा है? कितने जिले बना दिए भैया अपन ने? अपन ने बनाए 3 जिले। ठीक, इतना लिख लो पहले आप, फिर मैं आगे बताता हूं। लिखो इतना। लिख लिया, आगे पढ़े। अब ये 3 जिले कौन कौन से थे उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो 3 जिले थे भाई ये। पहले जिले का नाम होगा, ठीक है,
अनूपपुर याद रखोगे, दूसरे जिले का नाम होगा अशोक नगर और तीसरे जिले का नाम होगा बुहरानपुर। कितने जिले इनको याद रखो, क्वेश्चन आता है 2003 में कितने जिले बने, कितने जिले भाई, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, इनको याद करो, दो तीन बार पहले बोलो, देख देख के बोलो, वैसे याद हो जाएंगे। बोलो इन्हें क्या क्या है, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, क्या क्या है, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। अच्छा इसकी एक चीज छूट रही है, एक चीज याद रखो, इसकी डेट क्या होगी तो आप बताओगे 15 अगस्त, डेट आता है, डेट जरूर याद रखा करो भाई, डेट क्या होगी 15 अगस्त 2003 को, कितने जिले बने, तीन जिले बने, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर। इसको मैप में बनाए थोड़ा सा अपन, थोड़ा सा नहीं पूरा पूरा बनाएंगे। देखो शहडोल से उमरिया टूटकर बना था 1998 में और इसी से टूटकर बनेगा, शहडोल से टूटकर बनेगा दोस्त क्या, सबसे पहले अनूपपुर, आपको पता है ना अनूपपुर यहीं पर अमरकंटक है ना, यहीं से निकलती हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, पता है ना आप लोगों को, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है भाई, अनूपपुर में। तो शहडोल से क्या टूटकर बन रहा है, अनूपपुर, चीजें समझ में आई। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, अशोकनगर, अशोकनगर लगभग यहां मिलेगा, अशोक अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर टूटकर किससे बना, तो ये गुना से क्या बन गया भाई, अशोकनगर, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये जहां पर है खंडवा, क्या है खंडवा, खंडवा से टूटकर बनेगा बुहरानपुर, ठीक है, खंडवा से टूटकर क्या बना, बुरहानपुर, कब बना भाई 2003, डेट क्या बताओगे 15 अगस्त, याद रख पाओगे कि 2003 में कितने जिले बने, आप बताओगे टोटल तीन जिले बने, पहला जिला कौन सा होगा भैया, पहला शहडोल से क्या टूटा, अनूपपुर, दूसरा जिला कौन सा, गुना से अशोकनगर, तीसरा कौन सा, खंडवा से बुरहानपुर, याद रख पा रहे हो आप लोग, रख पा रहे हो कि नहीं, चलो इतनी चीज हो गई, मिटा दूं इसको मैं, चलो मिटा रहा हूं, आगे पढ़ते अपन। अरे लिखा है कि नहीं भाई, लिख लेना, ठीक। तो देखो 2003 में कितने जिले बने भाई, तीन जिले बने, मतलब 2003 में देखो जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो अपने पास तो 45 जिले थे, तीन जिले और मतलब बराबर से 1948, बताओ 2003 में मध्य प्रदेश के पास कुल कितने जिले थे, 48 जिले थे, कितने थे 48 जिले। अब हम बात कर रहे हैं सन 2008 की, कब की भाई, सन 2008 की, सन 2008 को हम कितने जिलों की स्थापना करेंगे, दो जिले की भाई, 48 तो पहले से थे, बराबर से 50 जिले, मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, 50 जिले। अब ये दो जिले कौन कौन से, इनकी चर्चा कर ले, ठीक है, तो इसको समझते हैं दोस्त, एक मिनट रुकना, ठीक। अच्छा मैं क्या बता रहा था, 2008 में कितने जिले बने, दो, एक का नाम था आपका सिंगरौली, बिलौवा की गुफा कहाँ है, सिंगरौली में मिलेगी आपको, ठीक है। एक जिला कौन सा है, तो सबसे उधर पहुंच जाओ, जाऊवा से कौन सा टूटता है, अली राज
राजपुर, कौन सा भाई, अली राजपुर, ठीक समझ में आ रहा है। ये जो है ये 17 मई को बना था और ये 25 मई को बना था, ठीक है। इन दोनों को मैं मैप में बताता हूँ आपको, समझो। ये यहाँ पर है सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है। किससे टूटकर बना तो आप बताओगे, सीधी से। सीधी से क्या बन गया, सिंगरौली बन गया, ठीक। दूसरी चीज समझो, यहां पर है आपका अली राजपुर। ये अली राजपुर जो है ये टूटकर बना किससे तो आप बताओगे, झाबुआ से। झाबुआ से क्या टूटा, अलीराजपुर। झाबुआ से अलीराजपुर, तो ये दोनों कब बने, 2008 में। ये कब बना तो आप बताओगे 25 मई को, और अलीराजपुर कब बना तो ये 17 मई को बना। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को भाई, 2008 में कितने जिले अपने पास, अपने पास जिले 50, समझ में आ रहा है। आगे पढ़े अपन, आगे इस चीज को मिटा दूं मैं। चलो आगे देखो, अब बात है सन 2013 की और 16 अगस्त कब की भाई, 16 अगस्त की बात है। 16 अगस्त यहां लिख देता मैं, 16 अगस्त 2013। अच्छा कई पुस्तकों में यहां 15 अगस्त लिखा होता है लेकिन एग्जैक्ट 16 अगस्त है, ठीक है समझ लो। 16 अगस्त 2013 को एक जिला बना, पहले से 50 जिले तो थे ही, टोटल 51 जिले हो गए भाई। मध्य प्रदेश में कितने जिले, 51 जिले, कब, 2013 को। अब यह एक जिला कौन सा था, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो एक जिला जो है यह आगर, आगर मालवा, कौन सा है भाई, आगर मालवा, ठीक है। अब मैं आगर मालवा की बात करूं तो आगर मालवा लगभग यहां होगा, आगर मालवा, ठीक है। ये आगर मालवा किससे टूटा था तो यहां पर बना लो देखो, साजापुर, साजापुर से टूटा भाई आगर मालवा, समझ में आ रहा है। साजापुर से क्या टूटा, आगर मालवा, कब बना भाई, 16 अगस्त 2013 को। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आपको, समझ गए इतनी चीज। चले लिखो भाई इसको, हो गया, आगे पढ़े। अब बात करता हूं मैं 2018 की, कब की, 2018, डेट क्या होगी, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018। यहां पर पुनः एक जिला बनता है और 51 जिले तो पहले से थे, अब हो गए कितने, 52, और वर्तमान में कितने जिले है भाई मध्य प्रदेश में, 52 वर्तमान में, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले है भैया। ये एक जिला कौन सा बना, तो इस जिले का नाम है निवाड़ी, निमाड़ी मत बोल देना, निवाड़ी, ठीक है। ये निवाड़ी ये यहां पर है, निवाड़ी। ये जो निवाड़ी है ये किससे टूटकर बना तो आप बताओगे, ये टीकमगढ़, किससे टूटकर बना, टीकमगढ़ से टूटकर बना भाई, टीकमगढ़। अच्छा टीकमगढ़ से एक क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन कभी आ गया कि भाई जो सुभाष चंद्र बोस की गुफा कहाँ है तो आप बताओगे टीकमगढ़ में, कहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस नहीं आपके, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद की गुफा कहाँ है, टीकमगढ़ में। चले तो ये रहा भाई मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के पश्चात कौन कौन से जिले कब कब बने और किससे टूटकर बने। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो दोस्त बहुत ध्यान से पढ़ना इतने सबको, और अच्छे सी एक कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, एक दो बार देखें, आपको हर चीज वैसे ही याद हो जाएगी,
हमने जीवन में सिर्फ एक बार पढ़ा था मध्य प्रदेश का विभाजन, और उसके बाद से हमें ऐसे ही याद है मुजबानी। समझ में आ रहा है? तो आप भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी कल। जय हिंद।